तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से यह सिखाएंगे कि जैसे आप लोग देखते हैं यूट्यूब में MJO का वीडियो का इफेक्ट, वो वीडियो इफेक्ट मैं आपको कैसे तैयार होता है मैं यहाँ पर दिखाऊंगा। ऐसे तो वो ब्लेंडर से तैयार होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर काइन मास्टर से करके हूबहू तो मैं नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ वो शायद आपको काम आ जाए। देख लीजिए थोड़ा, इसको बनाने के लिए आपको काइन मास्टर को ज़रूरत पड़ेगी, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। काइन मास्टर ऑन हो जाने के बाद हम प्लस वाले आइकन पर जाएंगे और वहां पर सिंपली प्रोजेक्ट सेलेक्ट करके मीडिया ऑप्शन में जाकर बैकग्राउंड सेटअप में जाकर हम वहां से एक ऐसा बैकग्राउंड लेंगे जिस फेस से मिलता हो। अभी तो वाइट आ गया, यहाँ पर मैं कलर चूज करूँगा कि कैसा लेना है मुझे, ऐसा लेंगे जो फेस के शायद मिल जाए। चलिए यहाँ पर फेस मिल रहा है, अब यहाँ पर अपना काम शुरू करते हैं बनाने का, जो कि माउस। इसके बाद हम लेयर में जाएंगे और हैंड राइटिंग टूल्स में जाकर, और सबसे पहले ऊपर में जो दिखाई जा रहा है रेड कलर का, उसमें जाकर हम सबसे पहले सर्कल ले लेंगे। सर्कल लेने के बाद उसका कलर चेंज कर देंगे, जो कि मैंने अभी ग्रीन कर दिया है यहाँ पर। और उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं अभी गोल कर रहा हूँ, सबसे पहला है गोल, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। गोल करने के बाद यहाँ पर देखेंगे, इसको छोटा बड़ा करके देखेंगे जो स्क्रीन के साइज पर आ रहा है या नहीं। पर तो सर्कल का इफेक्ट हो गया है, अब इसमें आई का इफेक्ट डालना है। चलिए देखते हैं आई का इफेक्ट हम कैसे डालेंगे। जहाँ पर से हम जिस ऑप्शन से हम सर्कल लाएँ उसी ऑप्शन में जाकर मैं आई का भी जो फेस एक्सप्रेशन आई का जो है वो भी वहाँ पर सिलेक्ट करूँगा। देखते हैं, आई तो ब्लैक कलर का हो गया, यहाँ पर देखिए एक आई, उसी को कॉपी करके उसको उठाकर वहाँ पर कॉपी कर देना है बगल में, इससे मतलब कि परेशानी नहीं रहेगा। अगर दूसरा अगर आई आप लेते हैं चूज करते हैं तो यहाँ पर आपको मतलब कि फिक्स करने में दिक्कत होगी आपको, इसलिए यहाँ पर आप कॉपी कर दीजिए। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर नीचे माउथ का एक एक्सप्रेशन बनाना होगा, जो कि मैं यहाँ पर इस वीडियो में बनाऊंगा। ये वीडियो में मेरे पास बहुत सारे आई बन गए हैं, कॉपी ज़्यादा हो गया है, इसलिए मैं इसको थोड़ा ऊपर नीचे करके इसको सेटिंग कर दिया। ठीक है, अब इसको साथ माउथ एक्सप्रेशन भी होना चाहिए, जो कि माउथ मतलब कि हम जो बोल रहे हैं वो दिखाई देना चाहिए कि हाँ ये बोल रहा है बोल रहा है। देखिए यहाँ पर माउथ एक्सप्रेशन भी आ गया है। उसके बाद यहाँ पर एक पहले छोटा वाला एक्सप्रेशन लेंगे माउथ का, लिप्स का, और अब उसके बाद लेंगे एक इससे भी बड़ा, जो कि इसको ढक दे। इसके बाद जो उसको हम ढक देगा तो उसको देखेंगे हम ऑप्शन में जाकर ब्लिंक करेंगे इसको, जो कि लिप्स बार बार ओपन हो और बार बार बंद हो, जिसके कारण यहाँ पर दिखाई देगा कि ये आदमी कुछ बोल रहा है, ऐसे दिखाई देगा। तो इस ऑप्शन में हम जाएंगे, मतलब कि पहले इसको सेटिंग कर लीजिए, ठीक है, छोटा बड़ा जो करना है आपको सेटिंग उस समय से कर लीजिए। ओवरऑल एनिमेशन में जाकर हम इसको ब्लिंक स्लो पर क्लिक करेंगे, जिससे लगेगा कि ये थोड़ा मतलब कि हिला रहा है, थोड़ा ऊपर नीचे कर रहा है, जिसके कारण आदमी को लगेगा कि ये बोल रहा है कुछ। बस यहीं तक आपको दिखाना है। इतना हो जाने के बाद हमको गैलरी में ये वीडियो को सेव कर लेना है। उसके बाद क्या करना है देखते हैं आगे। उसके बाद फिर से काइन मास्टर हम खोलेंगे और वहीं पर ये भी वीडियो को वहां पर पेस्ट करेंगे, उसके बाद इसका बॉडी बनाएंगे। यहाँ पर कोई एक इमेज लेना होगा, जो कि घर या शॉप का हो, ऐसा जगह जहाँ पर सब आदमी बैठ के बात कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम एक शॉप का इमेज ले लिए और इसके बाद इसको स्क्रीन पर फिट करना है। कैसे करना है फिट देखिए। लग रहा है यहाँ पर हो गया फिट। अब इसको यहाँ पर जो मैंने वीडियो बनाया था थोड़ी देर पहले, उस वीडियो के लाके यहाँ पर एक कॉर्नर में रख देंगे। कॉर्नर में रख देने के बाद उसको क्रोमा इफेक्ट से हम मतलब कि पीछे का बैकग्राउंड जो है ग्रीन मैंने किया था उसको हटा देंगे।
उसको हटाने के बाद सबसे पहले उसके हटाने से पहले हमको देखना है कि वीडियो का जो लेंथ है ऐसा जगह पर होना चाहिए कि ना कि वहाँ पर वाइट आ जाए या ग्रीन आ जाए, उस तरह से आना चाहिए जिस तरह से वो बोल रहा है। इसके बाद आप देखते रहिए कैसे मैं यहाँ पर फिक्स करूँगा इस इमेज को। यहाँ तक तो सिलेक्ट हो गया और इसको यहाँ पर से कट कर देंगे क्योंकि इसके बाद का इमेज ना आए यहाँ पर। अब इसको क्रोमा इफेक्ट में जाकर इसका जो बैकग्राउंड है पीछे का वो हटा देंगे हम। ये देखिए हट गया। अब इसको और थोड़ा छोटा कर देंगे, ज़्यादा छोटा हो गया लगता है मुझे। यहाँ पर आप बॉडी बनाएंगे, इसका फेस तो बन गया, जिस तरह हम फेस बनाए हैं उसी तरह बॉडी भी बनाएंगे। देखिए कैसे बनाते हैं बॉडी यहाँ पर। बॉडी बन जाने के बाद इसके हैंड बनाएंगे। हैंड बनाने के में देखिए कैसे यूज करेंगे इसका, इसका ही इफेक्ट यूज करेंगे हम। दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर मैंने हाथ बना दिया है। अब इसके बाद ये देखेंगे कैसे एक्सप्रेशन आप इसमें डालेंगे, वॉइस कैसे डालेंगे। यहाँ पर जो वाइट वाला पार्ट आ रहा है उसी हिसाब से हम यहाँ पर सबको कटिंग कर देंगे हैंड राइटिंग्स को, जो कि इससे आगे ना दिखाई दे।
इसलिए यहाँ पर हम इसको कटिंग कर देंगे पूरे को। यहाँ पर हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे, जो भी हम कुछ बोलेंगे वो यहाँ पर बोल कर दिखाएगा वो ऐसा। यहाँ पर रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के बाद हम कुछ बोलेंगे इस दुकान के बारे में, जो दुकान आज खुली हुई है या बंद है ये सब बोलेंगे, जो कि इसमें यहाँ पर दिखाई देगा। वॉइस के साथ कंप्रेस होगा, कंप्रेसर ऑन कर देंगे जिससे लगेगा कि जो ये MJ ये जो दुकान देख रहे हैं ना आप, वो आज खुली हुई है समझे। तो यहाँ पर आप देख लिए जो कैसे बनाया जाता है MJO का इफेक्ट और किस तरह मतलब कि इसका आवाज़ चेंज किया जाता है।